ये इतनी सारी साड़ियाँ और इनके सारे ब्लाउज, यहाँ पे भी कुछ साड़ियाँ है दोस्तों। बट मुझे अभी याद आया कि सिल्क के जो ब्लाउज होते हैं ना, वो अच्छे से कैसे आयरन करें। और इस सिलाई जो यहाँ से सिलाई जो निकाली गई है ना, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज इसकी बढ़ाई गई है, तो इसको भी किस तरह से हम प्लेन कर सकते हैं ये भी मुझे आपको दिखाना है। एक ब्लाउज में आयरन करूँगा, जो आप लॉन्ड्री ओनर हो तो उस तरीके से आयरन कर सकते हो, और दूसरा एक ब्लाउज होगा जो आप घर पे भी इस टाइप में आयरन कर सकते हो। बाकी मेरे पास स्टीम आयरन है, ब्रास आयरन से भी सेम इसी प्रोसेस में कर सकते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रिक आयरन से भी इसी प्रोसेस में आप कर सकते हैं, तो बने रहे इसी में। दोस्तों पहला जो तरीका है वो लॉन्ड्री बिजनेस, स्टीम आयरन किस तरह से किया जाता है लॉन्ड्री बिजनेस में, तो वो ब्लाउज कैसे स्टीम आयरन करना है दोस्तों। तो ये प्योर सिल्क का ब्लाउज है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रे किया है दोस्तों, और 10-15 मिनट के बाद में मैं इसको आयरन कर रहा हूँ। तो ये इतना पार्ट आयरन करना है और इतना पार्ट आयरन करना है दोस्तों, स्लीव का इतना और इतना, ये शोल्डर का पार्ट है, ये स्लीव का पार्ट है दोस्तों। करना है ना दोस्तों, तो प्रेस को दबाना है, सिल्क अगर आयरन कर रहे हो ना तो उसको दबाना पड़ेगा, नॉर्मल कपड़े को दबाने की जरूरत नहीं है, सिल्क को दबाना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ से ऊपर आयरन कर दिया है दोस्तों, देख लीजिए जो सिलाई है ना उसको किस तरह से दबा दीजिए, ये सिलाई गायब हो गई दोस्तों, इसकी जो मार्किंग थी ना गायब हो गई। तो ये हो गया दोस्तों, ये इस तरह से ब्लाउज अच्छे से प्रेस हुआ है दोस्तों, प्योर सिल्क का ब्लाउज है, देख लीजिए। अभी अगर आपके पास ये बग नहीं हो तो भी आप अच्छे से ब्लाउज कैसे प्रेस करते हैं कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अभी ये जो सिलाई है ना इसे हमें गायब करना है, तो सबसे पहले तो मैं सेम उसी तरह से ब्लाउज आयरन करूँगा, स्लीव और शोल्डर। दबा के आयरन करना है, आयरन को दबाना दबाते आना चाहिए, आयरन को अच्छे से दबाएंगे तो कपड़ा अच्छे से प्लेन हो जाएगा दोस्तों।
सिलाई है ना, ये अच्छे से बाहर आनी चाहिए। अभी हमें इसको अच्छे से दबाना है दोस्तों, ये जो मार्किंग है ना इसको प्लेन करना है। ये प्लेन हो गया है दोस्तों। तो सेम फिनिशिंग हमने ब्लाउज की भी कर दी है दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी दोस्तों, और अगर आप चाहते हो तो कि इन ब्लाउज को ब्रास आयरन से किस तरह से आयरन करना है उसकी वीडियो बनाइए। उसके बाद में डोमेस्टिक आयरन से, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक छोटी वाली जो आयरन होती है ना, वो आयरन से भी घर पर किस तरह से ब्लाउज आयरन कर सकते हैं ना, उसकी भी मैं वीडियो आगे बनाने की सोच रहा हूँ। बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए कि हाँ इस तरह की वीडियोज़ आप बनाइए, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।